ये देखो गाइज इन दोनों तो गाइज मैं ले रही। हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज है कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज अभी नहीं बताऊंगी, देखते रहो। आज हमारे यहाँ कुछ खास मेहमान आने वाला है, मतलब मेरे मायके की तरफ से। तो मतलब चलो बता ही दूंगी, मतलब तो आज बस आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो आपको फिर मिलती हूँ जैसे ही वो आ जाएंगे। अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, और अभी तो बहुत सारा काम है, बुबू को नहलाना है, फिर खाना बनाना है, उसके बाद कहीं जाके मैं फ्री होंगी। तो तब मिलती हूँ आपको, ठीक है। और गाइस अभी है बहुत सारा काम, मुझे नहाना भी है। और इनको देखो, इनके मज़े हैं भाई, मज़े तो इनके हैं। इनके इनसे मैं कब से बोल रही हूँ यार, खीरा और दही लिया, मुझे रायता बनाना है, पर हिलने का नाम ही नहीं है। तो कुछ करना पड़ेगा, ट्रिक करनी पड़ेगी मुझे इनको। मुझे ऐसी पिंच होती ना, वो देनी पड़ेगी। तो चलो जाओ लेने के लिए। तो अभी लेके आ जाएंगे, फिर मैं तैयारी करूँगी। और लड्डू भी आएगा, लड्डू। तो गाइज आ चुके हैं हमारे मेहमान, जैसे कि आपको मैंने बताया था, भैया भाभी लोग आ रहे हैं। और ये दोनों बहुत ज़्यादा भाभी के अलग ही तैनावे हो रहे हैं यहाँ पे। और इन दोनों को देखो गाइज, इनकी जो मजे पड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखो दोनों के दोनों को बहुत शैतानी कर रही है। मम्मी ने चलो तो मैंने खाने में बनाए हैं दाल। ये दाल है काले चने की, मुझे बहुत अच्छी लगती है, औरों का पता नहीं। और इसमें तो ब्राउन राइस है, ये है सास जी के लिए और बुबू के पापा के लिए। इनमें वाइट राइस है, और ये सब्जी है, और थोड़ी रोटियां भी हैं, और बनाया बूंदी, और ये बनाया बूंदी का रायता। बस अब स्टार्ट करते हैं हम खाना। पहले मैं थोड़ा बुबू को खिला दूँ, उसके बाद। और गाइस मौसम इतना अच्छा हुआ है, मैं बता नहीं सकती, बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छी बारिश थी। लोग छाता लेके जा रहे हैं, वाह यार बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत गर्मी फिर स्टार्ट हो गई थी, इसलिए वाह कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ से ऐसे ऐसे उड़ रही है बारिश इस तरफ। इतनी अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन क्या करें, जगह जगह बारिश भी हो रही है और नुकसान भी बहुत हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि बस श्रीनगर में खूब सारी बारिश हो जाए, लेकिन जहाँ नुकसान हो रहा है वहाँ ना हो बारिश। ये देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, थोड़ा गीला हो गया है, पूरा गीला हो गया। हमारे भ्राताश्री बाहर आ गए हैं बारिश का एंजॉय करने के लिए। तो गाइज हो गई है रात, और मैं थोड़ा व्लॉग बनाना, मतलब टाइम भी नहीं लगा मुझे व्लॉग बनाने का बीच में। और भाई भाभी लोग चले गए थे शाम को 5:30 बजे, और अब तो 9 बज रही है। तो अब हम मतलब अब मैंने डिनर बना दिया है, और बस अब हम वही करते हैं, डिनर करते हैं, उसके बाद तो क्या, उसके बाद तो सोना ही है, थोड़ा वॉक करके तो सो जाता है फिर। क्यों, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? है तब मैं इनसे बोल रही कि मुझे आईफोन दे दो, आईफोन दे दो, लेकिन ये मुझे आईफोन नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ गाइस आप सपोर्ट करो कि आईफोन दे दो। आप करो सपोर्ट। तो गाइस चलो अब हम खाना खाते हैं, उसके बाद ये देखो गाइस इन दोनों को कैसे आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है मुझे। क्या है यार, तो
तो गाइस अभी आपने वीडियो देखी तो मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे लग रहा है वो कॉलेज के बच्चे हैं, लेकिन कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है उनको देख के, तो बता नहीं आजकल के बच्चे क्या ही बोल सकते हैं। और बस अब हम सोते हैं, दुद्धू का दुद्धू हो गया फिनिश, उसने पी लिया है ना, सुनो पी लिया, दिखाओ मम्मा को, हमेशा छोड़ती है भाई, हमेशा हमेशा छोड़ेगी है ना। ये तो गाइस, ये देखो गाइस, हम वृंदावन आ गए, वृंदावन से हम वृंदावन से आ गए, और और आपके साथ कौन कौन किया था? तो चलो गाइज अभी हम सोते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे, जिस दिन लगेगा मुझे कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, तो उस दिन। आज वैसे भी भाई लोग जल्दी चले गए थे तो उस वजह से थोड़ा हो भी नहीं पाया, क्योंकि बारिश हो रही थी तो उनको ये लग रहा था कि ये ज़्यादा बारिश हो जाए, बेबी भी साथ में था तो इसलिए वो चले गए जल्दी, और भाई को थोड़ा काम भी था शॉप का, तो तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट में मेरा बहुत सारा काम भी है, और रात नहीं हुई है, लाइट यहाँ ऑन करनी पड़ती है, बाहर अभी उजाला है, और मुझे राखियाँ भी लेनी, मुझे बहुत सारा काम है, पता नहीं आज होता कि नहीं होता, शायद मुझे कल फिर से जाना पड़ेगा, और आज तो ये लोग मंदिर जा रहे हैं इसलिए मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ साथ में, तो मैं तो मार्केट चली जाऊँगी, लोग मंदिर जाएंगे, बुबू और बुबू के पापा, बेटा हेलो, बेटा हेलो, बेटा हेलो, बच नहीं वो देखो भैया जानू नहीं है वो, भी लड़की है, अच्छा वो लड़की है, ये आपकी फ्रेंड है ना, गिनना मत। ढाई ये अच्छा ये देखो गाइस, तो बहुत बड़ी हुई थी, अब तो कम हो चुकी है हमारी अलकनंदा, कर लिया आपने सुनो बात, दोस्ती कर ली आपने। और ये देखो गाइस मार्केट की रौनक, बहुत भीड़ भी है यहाँ पर, और राखियाँ भी लेनी है, अभी बहुत काम है, तो गाइस मैं ले रही हूँ यहाँ पे राखियाँ, यहाँ पे चला जाता ना उसी टाइम ये कर दो, बहुत महंगी है राखियाँ। यहाँ पे आए हैं हंगरी पॉइंट पे, थोड़ा खा पी लेता है कुछ, और बुकू यहाँ पे बहुत शैतानी कर रही है यार, दो बार गिर गई नीचे, ये देखो गाइस वो हल्ला नहीं करते, नहीं तो हल्ला कर रही है यार, सब इसको देख रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज मैंने खूब सारी शॉपिंग करके मैं आ चुकी हूँ अपने मामा जी लोग यहाँ पे तो यहाँ है कुछ खास, अभी अभी आप देखते रहना, बने रहना मेरे ब्लॉग में, और आपको पता चल जाएगा यार कुछ खास है क्या और यहाँ पे ये लोग पता नहीं क्या, अभी से ये देखो, ओए भाई प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, वो उसको पहले केक खिला रही है ताकि बाद में सीधे झपटे में एक केक पे और खाओगी इसको, वो है बूढ़ी जी की नैची यार मामी जी गुगू की बूढ़ी जी तेरी मामी जी, हाँ मेरी मेरी मामी सास जी, हाँ मामी जी बस तैयार होने वाली है और आपको मैं दिखाऊंगी उनका लुक, और अभी बर्थडे बॉय है नहीं यहाँ पे, कहीं जा रखे हैं काम से, तो
वो भी आने वाला है। अब बुग्गू को देखो, बुग्गू की मस्ती छतरी केक के ऊपर गिर गई थी। ले तू भी खा ले, ये देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना। क्या आपका नाम? शिवांश। आप किसके साथ आए? मैं पापा नाम से ओ, ये देखो इसको तो पता नहीं क्या अलग ही रहता है। बुगू तोड़ना तो है ही उसको, जैसे बुगू की शक्ल वैसे ये भी मिला कैब। ये देखो भाई कितनी फाइट कर रहे हैं। ए भगवान जी बचा लो बचा लो। और यहाँ पे मामा जी और दोनों गप्पे मार रहे हैं, ये बहुत लड़ाई कर रहे हैं। और सीजर की तो बहुत तबीयत खराब है। हेलो हमारी मामी जी भी हो गई है रेडी। ये देखो कितना प्यारा कुर्ता है, चिकनकारी है ना मामी जी, चिकनकारी तो बोलते ना इसको। और मामी जी ने बनाई यहाँ पे चाय और ये तैयारियाँ चल रही है, है? अच्छा मैं चलो भाई बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो गई है, चलो चलो चलो। हैप्पी बर्थडे। ये है हमारे बर्थडे बॉय, देखो जी वो है आ चुकी है मेरी एक और दादा। हेलो क्यूट सी प्यारी सी, आजा चलो अब चलते हैं पार्टी में अंदर।
हम डांस के लिए गाने सर्च मार ले बट हमें मिले हैं। हाँ और गाइस सारे गाने बजाने के बाद और कल मेरा पेपर है, दो मिनट नहीं दे रहे हैं, दो मिनट। तो छोटी सी पार्टी अभी आई है, वाओ पिज्जा शुनू को भी चाहिए। चलो भाई स्टार्ट करो, कुछ नहीं आओ निकालो, चलो 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 निकालो। मामी जी के मुंह में पानी आ रहा है। नहीं तो लगभग सारे लोग चले गए, मामी जी लोग चले गए और हमारी मामी जी यहाँ पे बना रही है खाना, कुछ बन गया है कुछ अब बनेगा। और बस मैं भी कुछ करती हूँ काम, और ये सीजर बेचारा यहाँ पे, मुझे तो बहुत डर लगता है कुत्तों से। ये देखो क्या है, इसकी तो कमर भी टूट रखी है, इसको तो इलाज की जरूरत है। ये कितनी प्यारी है, लेकिन कितनी अच्छी है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सुनो कैसे देख रही है। टकली हो गई, बाल उड़ गई सारे हवा में, है ना। वाह कितनी प्यारी है, देखो इसकी कमर भी टूट रखी है बगू। एक आदमी ये मजा आ गया। फिर से यहाँ पे दूसरा केक कट हो रहा है, टाइम हो रहा है 11, रात की 11 बजने वाली है। ये देखना पकड़ पकड़ के ला रहे हैं बच्चों को। ये हैप्पी बर्थडे। ये देखो कितना प्यार कर रही है वो। नहीं अच्छा अच्छा सीधा ये ले, केक खाने जा रहा है वहाँ, केक खा ले। खत्म आदिम, आदिम कहाँ यार हो, आदिम तो तुम हो। हम सब ने तो मुंह धुल दिया है, हम सब ने, और एक मात्र यहाँ पे बर्थडे बॉय है जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, चॉकलेटी बॉय। आर्मी आर्मी, कल मेरे को जाना है वहाँ पे, कहाँ क्या बोलते हैं, टाइगर हिल कश्मीर में। अच्छा वहाँ क्या करने वाले हो आप? वहाँ हम जंग लड़ेंगे, पहचान लेंगे। हाँ पहचानेंगे, नहीं पहचान के तो दिक्कत हो जाएगी ना यार। क्या बड़े बॉय, ऐसी कॉमेडी चल रही है यहाँ पे। अरे वाह भाई क्या भाईचारा हो रहा है यहाँ पे, बातचीत है। चलो बुगू चलो चलो।